हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू दी ब्रांड वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इंडियन लेजेंडरी एसयूवी की जो 1991 में लॉन्च हुई थी, जिसकी फैन फॉलोइंग आज भी बहुत है। और वैसे ये 2000 में इंडिया से डिसकंटिन्यू हो गई थी, लेकिन टाटा मोटर्स इसके नेम टैग को फिर से रिवाइव करने का सोच रहे हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं टाटा सियारा की। टाटा सियारा उस टाइम पर एक मॉडर्न डिजाइन और पावरफुल डीजल इंजन के साथ आती थी और इसमें वेल इक्विप्ड कैबिन और ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता था, जिसकी वजह से आज भी सियारा को इतना पसंद करा जाता है। और आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे 5 फैक्ट्स टाटा सियारा के बारे में जो शायद ही आप जानते होंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। फैक्ट नंबर 1, फर्स्ट इंडियन कार विद एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील। सियारा टाटा की सबसे पहला व्हीकल था और उस टाइम के हिसाब से जब ये लॉन्च हुई थी 1991 में, तो उस वक्त के हिसाब से इसमें काफी यूनिक फीचर्स मिलते थे जो उस वक्त किसी लग्जरी से कम नहीं थे। जैसे ये इंडिया की सबसे पहली कार थी जिसमें एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील मिलता था, और इसमें इसके साथ साथ पावर विंडोज, पावर स्टीयरिंग और टैकोमीटर जैसे फीचर्स मिलते थे जो उस टाइम पर मिलना इतना कॉमन नहीं था। फैक्ट नंबर 2, फर्स्ट टाटा पैसेंजर कार। टाटा मोटर्स को पहले टेल्को नाम से जाना जाता था, विच स्टैंड्स फॉर टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। और स्टार्टिंग में टाटा मोटर्स लोकोमोटिव्स और कमर्शियल व्हीकल्स ही मैन्युफैक्चर करते थे, लेकिन सियारा से ही इन्होंने पैसेंजर मार्केट में एंटर करा, विच मीन्स टाटा सियारा वॉज द फर्स्ट व्हीकल ऑफ टाटा मोटर्स इन पैसेंजर सेगमेंट। और इस एसयूवी में 2.0 लीटर का डीजल इंजन आता था जो टर्बो और नॉन टर्बो दोनों ऑप्शंस में अवेलेबल था। टाटा सियारा का नॉन टर्बो मॉडल 68 bhp की पावर प्रोड्यूस करता था और इसका टर्बो डीजल इंजन 90 bhp की पावर प्रोड्यूस करता था। और इससे अलग सियारा के अंदर आपको 4x4 का ऑप्शन भी देखने को मिलता था, इसलिए ही टाटा सियारा को लेजेंडरी एसयूवी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3, फर्स्ट प्रोडक्ट टू बी डिजाइन एंड डेवलप्ड एंटायरली इन इंडिया। अर्ली 90s और 80s में इंडिया में ज्यादातर कार्स या तो बाहर से ही इंपोर्ट होती थी या फिर बाहर कंट्री में डिजाइन होती थी, लेकिन इस ट्रेडिशन को सबसे पहले खत्म करने वाले टाटा मोटर्स ही थे। सियारा इनका सबसे पहला प्रोडक्ट था जिसे कम्प्लीटली डिजाइन और डेवलप इंडिया में ही करा गया था, या आप कह सकते हो कि टाटा मोटर्स ने ही इंडियन ऑटो इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज्ड करा था। फैक्ट नंबर 4, फर्स्ट डीजल व्हीकल टू बी एक्सेप्टेड एज पर्सनल कार। ना कि सेगमेंट फर्स्ट, बल्कि सियारा इंडिया का सबसे पहला डीजल व्हीकल था जिसको एज पर्सनल कार के रूप में एक्सेप्ट करा गया। सियारा में आपको 3-डोर डिजाइन लेआउट मिलता था और सियारा उस टाइम की सबसे स्पोर्टियस लुकिंग एसयूवी थी, जिसके डिजाइन को आज भी आप कम नहीं आंक सकते। फैक्ट नंबर 5, मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन एसयूवी। आपने सही सुना, मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन एसयूवी। ये जब लॉन्च हुई थी तो इसका प्राइस था 5 लाख इंडियन रुपीज इसके बेस मॉडल के लिए, और 90s में 5 लाख एक कार का प्राइस होना काफी बड़ी चीज थी, और यही उस वक्त की सबसे एक्सपेंसिव गाड़ी थी जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल थी उस टाइम पर। तो यही थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स टाटा सियारा के बारे में, और आप भी डेफिनेटली चाहते होंगे कि टाटा मोटर्स टाटा सियारा को फिर से जरूर लेकर आए इंडियन मार्केट में। वैसे टाटा मोटर्स सियारा को फिर से लाने का प्लान बना चुकी है, लेकिन इस बार वो इस नेम टैग को इलेक्ट्रिक वर्जन के साथ लेकर आना चाहते हैं, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो कमेंट में आप जरूर बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हो टाटा सियारा को फिर से इंडियन रोड्स पर देखने के लिए। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए व्हीकल केयर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। एंड व्हीकल केयर इज अ मल्टी ब्रांड कार सर्विस प्लेटफॉर्म, जहां आप अपनी कार की सर्विस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में करा सकते हो। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो आप अभी जाके अपनी कार की सर्विस बुक कराइए।